क्या बात है युषा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तो और क्या करूं आंटी, बस हो गई अब मेरी। आपने देखा नहीं बाबा ने किस तरह उस जाहिल औरतों के सामने हम दोनों को जलील किया? युषा, मुझे अपनी इंसल्ट की कोई परवाह नहीं है। मुझे पता है कि उसे जानबूझकर हमें वहां से हटाया। अब बात यह है कि फारूक का मूड खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फारूक का मूड खराब हो गया तो वो जरूर गुस्से में कोई गलत फैसला करेगा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी खुशियों में किसी किस्म की भी कोई रुकावट आए। देखो युषा, इस वक्त ये जरूरी नहीं है कि तुम जाके नदीम के साथ बैठो। जरूरी इस वक्त ये है कि हमदान और फारूक को नदीम पसंद आ जाए, बस। आप ठीक कह रही हैं। थैंक यू आंटी, आपने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। काश काश मैं भी कुछ आपके लिए कर पाती। मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत ही काफी है युषा। क्या हुआ आंटी, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? मैं सोच रही थी कि जब तुम दुल्हन बनोगी तो कितनी प्यारी लगोगी। दुल्हन बनोगी तो तलाक लेकर आओगी ना? फिर तो मैं फारूक की झुकी हुई गर्दन देखूंगी।